हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। और आज हम जा रहे हैं दोबारा से मॉर्निंग राइड पे, और दोबारा से लेट हो गए। अच्छा भाई पहुंच चुके हैं, फोन पे फोन आ रहे हैं भाई के। कहाँ हैं? हाँ तो हम लेट चल रहे हैं। मैं तो भाई तैयार बैठा था, केशव की वजह से लेट हो गया मैं। केशव ने लेट करा दिया भाई। देखो मैं तैयार बैठा था पहले से भाई, छोड़ो यार। भाई भाई दोबारा एक बार यार अपने को भी फील हुआ कि भाई बंदा पहले आके पहुंच जाता, हम ही लेट हो रहे हर बार। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मिल चुके हैं हमें चालीस राइडर, और ये अपना केशव। अब हम यहाँ से निकलने हैं पंचगांव। भाई को आज भी लेट करा दिया, और कोई भी चलता है यार, इतना तो चलता है आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं आगे, आपसे बात करते हैं। ये अपना चालीस राइडर, और सुबह सुबह अपने को मिल गया है धोखा। अब वो धोखा दिया किसने? वो धोखा दिया है हमारे हिमालयन द बंजारे। यही सही है भाई, बढ़िया है ये भी। सुबह सुबह भाई कुछ प्यारी सी ठंड लग रही है ना, ठंडी ठंडी हवा वाली, मजा आ रहा है। और हम निकल चुके हैं CNN वाली रोड पे, CNN स्टेडियम वाली रोड पे। ताबड़तोड़ रोड है भाई ये, छाए छाए करने वाली। अब फुल मजा आ रहा है, आज हम जा रहे हैं पंचगांव, जो कि है यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर। तो यहाँ से 60 जाना और 60 आना। धीरे धीरे और ज्यादा एक्साइटेड होते जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी जो स्पीड राइड है, जो अपनी स्पीड राइड है वो पास आने वाली है। आज हो गई 2 तारीख 3 तारीख, और 9 या 11 तारीख को हम गायब हो जाएंगे यहाँ से। चिंता गोली नो इट नो बट आप सबको हैप्पी नवरात्र। कल फास्ट है तो शायद थोड़ी एनर्जी कम हो रही होगी, बट अपनी पूरी कोशिश है कि आपको बढ़िया सा कंटेंट दें। अब मेरे को कमेंट में आप एक छोटा सजेशन चाहिए मुझे, कि जैसे मैं हर वीकेंड वीक पे, मतलब लगभग ट्यूसडे वेनसडे तक मेरी वीडियो आ जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं वीडियो हफ्ते में एक डाल रहा हूँ, तो वो भी मतलब 25-30 मिनट की वीडियो होती है,
तो आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है। अगर आप चाहो तो हम एक वीडियो 10 से 12 मिनट की करके हफ्ते में 3 वीडियो डालें तो कैसा होगा? कर सकते हो आप मैनेज? क्योंकि मैंने सोचा है कि जहां मैं हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ 30 मिनट की और आप थोड़ा देखने में आनाकानी कर रहे हो, तो मैं हफ्ते में 3 वीडियो डालू 10-12 मिनट वाली, तो वो मेरे ख्याल से आप देख नहीं सकते हो क्योंकि एक बार में लोड नहीं आएगा ना आपको देखने में। जैसे मेरा आई क्यू लेवल देखो, ऐसे मेरी वीडियो देखते रहे ऐसे स्मार्ट जाओगे। और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर दो, ठीक है? और जो नया आया है भाई, ध्यान से सुन लो, बढ़िया कंटेंट आने वाला है अगले महीने से, क्योंकि अभी अपने केदारनाथ डाला है, लिस्ट करके रखा हुआ है, पब्लिश करना बाकी है, ठीक है? तो बने रहो इस चैनल पे क्योंकि पहल का होने वाला है अभी तो। और केदारनाथ हमने बाइक पे नहीं किया है तो आपको थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? थोड़ा रॉ है बट क्योंकि भाई ऑन कार फर्स्ट व्लॉग था वो, तो थोड़ा ऐसा है मेरे को एडिट करने में भी दिक्कत हुई है, बट कोई नहीं, आप प्यार दिखाते रहो, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है यार। रेड लाइट, जब बाइकों में ये हजार लाइन चलते हैं ना भाई, मस्त लगते हैं, चलती बाइक भी क्या प्यारे लगते हैं। अब हम तो अपनी बाइक चलते हुए नहीं दिखा सकते ना, ये जारी है हाले, क्रूजिंग बाइक का राजा है वो, ये स्टार्ट लेवल है वो एंड लेवल है। भाई बढ़िया रास्ते से लेके आए, एक नंबर रास्ता है। ऐसी कौन सी रेड लाइट है जहां हम नहीं रुके? सब पे हाजिरी लगी हमारी, ठीक है? और उसके बाद बात करते हैं लास्ट वीडियो की। भाई आपका तो प्यार हमेशा ही बढ़िया रहता है, मेरी उम्मीद से हमेशा ही ऊपर, ठीक है? बट ये यूट्यूब वाले यार क्या कर रहे हैं यार, वंदे मातरम तो कॉपीराइट, सेंसर बनता है यार कोई, वंदे मातरम सीरियसली कॉपीराइट दे भी रहे हो तो ये क्या देख तो लो यार, देना किस पे है? वंदे मातरम से गमाई राय थी लास्ट वाली, उसमें गई अपने को थोड़ी सी प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम हुई है अभी बताएं, जो केशव का फोन है जिससे हम वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं गिम्बल वाले सेटअप से, तो एक पत्थर आया यूं उड़ता हुआ और यूं लगाते हो निपट गया भाई का बैग। ये दिक्कत होती है ग्लास बैग होने का,
यात्रा भी तो चलता है, इतना तो होता रहता है यार, छोटी मोटी बातें हैं, मगर कोई नहीं। ये अच्छा है कि आप उस चीज को लेके ना बैठो, आगे निकलो। और हम बहुत तगड़ी रोड पे आ गए, मस्त रोड है। अरे भाई धूल की धूल, रास्ते अलग ही धूल आ चुकी है। और हाल ले टायर देख लो, अलग ही इतने चौड़े तो उसके टायर है, एक नंबर। बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल का एक्साइटमेंट वो रखा है केशव के भी और मेरे भी। कल भाई इसी पर लेके आए हम, और एक नंबर स्पीकर है बॉस, टू लाउड बॉस, टू लाउड। हम हमारे हैंड में हम उसे निकाल लेंगे, हमारे में आती नहीं आवाज और उनकी जाती नहीं आवाज, तो हम उसे निकाल लेंगे। थोड़ा हो जाता है, थोड़ा गोली करते हैं। पंचगांव, भाई कुछ बोल रहा था कि लद्दाख वाली वीडियोस में आवाज नॉइज की बहुत ज्यादा दिक्कत है। वो दिक्कत तो भाई हमसे पूछो क्यों हुई थी, अब वाले व्लॉग देखना और फिर बताना ये कैसी आवाज, ठीक है? और अब वाले वीडियो देखना मतलब देख रहा हूं। भाई फोन का है? अरे नहीं छोड़ यार, अरे छोड़ यार, दिखा दे, बहुत प्यारा नुकसान। कोई नहीं ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? ऐसा बहुत है, गिम्बल पे लगा हुआ था, पथराया यूं टक बिल्कुल सटीक निशाने पे, ठीक है? और भाई क्या होता, भाई का मूड ऑफ हो चुका है, बट कोई नहीं, जो होता है ठीक होता है, क्या पता इससे ज्यादा होने वाला हो, फोन ही गिरने वाला हो, इतने में निपट गया, ठीक है। Thank you.
हैं आपको अंदर से। चलो क्या प्यारा एम्बियंस है। अरे उधर चल लेना, मस्त बैठेंगे, यहाँ बैठते हैं। हाँ तो गाइज हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट, अब हम निकल रहे हैं अपने घर। और मजा आ गया राइड करके, एक नंबर जगह है भाई, एक नंबर जिसे कहते हैं ना वो जगह है, बिल्कुल मजेदार। अब यहाँ से घर निकलते हैं और गर्मी तो पूछो ही मत। अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजने के हिसाब से ना जिस जो गर्मी पड़ रही है, धूप बिल्कुल ही कड़ाकेदार धूप आ रही है और वो पूरा का पूरा पूरा का पूरा शीशे है। क्या हो गया हमारी बाइक में कम आवाज आ गया, ये भी आवाज करती है बढ़िया सी। मैं बोल रहा था धूप बहुत बहुत तीखी धूप है, बहुत ज्यादा, 10 बज रहे हैं अभी और उस हिसाब से ना गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि पूरा हेलमेट के अंदर स्वेटिंग स्टार्ट हो चुकी है अभी से। और यहाँ तो थोड़ी देर में ये भी गीला हो जाएगा। अभी तो राइडिंग जैकेट्स वगैरह नहीं है, वो हो जाएगी तो और गर्मी लगने लगेगी। लेना तो बनता है यार, एक सेफ्टी इन्वेस्टमेंट है वो, करते हैं स्पीति निकलने से पहले कर देंगे। और अक्षय भाई से थोड़ी बातें हुई हैं अपनी लद्दाख को लेकर, भाई जून या जुलाई में सोलो राइड करने की सोच रहे हैं, थोड़े सजेशन दिए हैं हमने अपने कि
कि क्या नहीं करने क्योंकि जो करने हैं वो तो वो खुद ही कर लेगा, और क्या नहीं करने वो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने जो करा है हमें तो कुछ नहीं मिला भाई। ठीक है, क्योंकि राइड करके ना हमें मजा, मतलब लद्दाख में मजा नहीं आया। सबसे पहली बात भाई, आपका ग्रुप छोटा होना चाहिए। सबसे पहली, कुछ हो ना हो ग्रुप हमेशा आपका छोटा ही होना चाहिए। अब हम कैमरा चेंज करवाएंगे। मेहनत देख रहे हो बच्चों की? अब ये मेहनत देख के कम से कम सपोर्ट तो दिखा दो यार अपना, समझ रहे हो? बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। आपको लगता है बस कैमरा उठाया और निकल पड़े, बहुत मेहनत। धूप जिस हिसाब से हो रही है, अब तो हालत खराब होने वाली है गर्मियों में, उस लेवल की गर्मी पड़ेगी। गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दो। ऐसा दबाओ कि उसके बगल में जो बेल आइकन होता है वो खुद से खुद दब जाए, और ना दबे तो आप दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियो की, क्योंकि मैं वीडियोस कभी भी डाल रहा हूँ। अभी बिल्कुल मतलब शेड्यूल में नहीं हूँ, जब टाइम मिल जाता है मैं वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। तो आप कोशिश करो कि बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे और आप मेरी वीडियो को मेरे अपलोड होते ही, मतलब मेरे अपलोड करते ही आप देख सको। ठीक है, मिलते हैं आपको ऐसी बढ़िया सी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।